उत्तराखंड में दबिश के दौरान पुलिस और बदमाशों में गोली चलने से कई पुलिस वाले घायल हो गए। इस घटना में ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की गोली लगने से मौत हो गई है। दरअसल यूपी पुलिस उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ने गई थी। खबर के मुताबिक इनामी बदमाश काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में छिपा था। इसी खनन माफिया की गिरफ्तारी को दबिश देने गई ठाकुर द्वारा पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हो गई। इस दौरान खिड़की से झांक रही ज्येष्ठ प्रमुख गुरताज भुल्लर की पत्नी गुरप्रीत को गोली लग गई। उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। बदमाशों की गोली से दो पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है। घटना से गुस्साए लोगों ने कुंडा थाने के बाहर फोर लेन पर जाम लगा दिया। साथ ही आरोप लगाया कि पुलिस की गोली से महिला की मौत हुई है। चार पुलिसकर्मियों को बंधक बनाए जाने की सूचना भी है। जानकारी मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ठाकुर द्वारा कोतवाली पहुंच गए हैं। दरअसल यूपी पुलिस खनन माफिया को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रही थी। पीछा करते करते खनन माफिया जफर उत्तराखंड बॉर्डर क्रॉस कर जसपुर में दाखिल हो गया। इस दौरान जफर और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। क्रॉस फायरिंग में महिला की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीण ने पुलिस वालों को बंधक बना लिया। पुलिस वालों को बंधक बनाए जाने की सूचना पर मुरादाबाद रेंज के डीआईजी शलभ माथुर, एसएसपी हेमंत कुटियाल, एसपीआरए संदीप मीना मौके पर पहुंचे।